किसान साथियों, आज अपने बात करने वाले हैं शकरकंद की खेती के बारे में। शकरकंद की खेती आलू की तरह की जाती है। यह एक कंद वर्गीय सब्जी की खेती है। बात करें इसके बुआई के समय की, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त सितंबर तक इसको लगा सकते हैं। शकरकंद की खेती 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। शकरकंद की खेती करने के लिए खेत की मिट्टी बलुई दोमट होनी आवश्यक है। कठोर मिट्टी और जल भराव वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले खेत में गहरी जुताई करके उसको समतल कर लेंगे। उसके बाद 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद उसमें मिला देंगे। अब बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों की। रासायनिक उर्वरक में 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाई अमोनियम फास्फेट, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा और 15 किलोग्राम नत्रजन यूरिया की मात्रा अच्छी तरह से मिक्स करके उसको खेत में छिड़काव कर दें। किसान साथियों, रासायनिक उर्वरकों के छिड़काव के बाद कल्टीवेटर से खेत को बढ़िया तैयार करें और मेड़ बनाने वाले यंत्र से खेत में मेड़ बना लें। किसान साथियों, मेड़ से मेड़ की जो दूरी है वो कम से कम 1 से 1.5 फीट अवश्य रखें। उसके बाद बात आती है पौध के रुपाई की। किसान साथियों, याद रखें पौध किसी भी अच्छी नर्सरी से लें और रुपाई करते समय ध्यान रखें पौध से पौध की जो दूरी है वो 1 फीट रखें। अब बात करते हैं किसान साथियों सिंचाई की। सिंचाई के लिए पौध रोपाई से तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक है। उसके बाद हर सप्ताह आपको सिंचाई करनी आवश्यक है, जिससे खेत में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। किसान साथियों, शकरकंद की खेती में खरपतवार नियंत्रण अति आवश्यक है। किसान साथियों, ये थी शकरकंद की खेती की संपूर्ण जानकारी। इसी तरह आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।